हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। जैसा कि हम आपको लगातार दिघा विधानसभा क्षेत्र के पप्पू राय जी की रिपोर्ट दिखाते रहे हैं, उनके लॉकडाउन के दौरान समाज सेवा की कई तरह की रिपोर्टें आपको मैंने दिखाई है। आपको बताया है मैंने कि पप्पू राय पूरे लॉकडाउन के दौरान 41 ट्रक से ज़्यादा चावल दाल ये सब बांटे हैं और अब वो एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। दिघा विधानसभा क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं बुजुर्गों को वे आँख दिखवाकर उनका मोतियाबिंद का इलाज करवा करके उन्हें चश्मा देने का काम कर रहे हैं और इस खास मौके पर उनकी पत्नी सुनीता देवी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये सब कैसे संभव हुआ। मैम, रेड नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप लगातार दिघा की जनता को मदद करते आ रहे हैं लॉकडाउन में, विशेष रूप से आपने मदद की, तो किस तरह ये संभव हो पाया? मेरे दिघा विधानसभा में मेरे गरीबों बस्तियों में कोई अथी नहीं हुआ है, किसी ढंग का मदद नहीं हुआ। जो भी विधानसभा का नेता है वो कभी नहीं कुछ किए हैं और न ही सामने आते हैं, इसीलिए मैं आगे बढ़ी हूँ और बढ़कर जनता लोग का सेवा की है। आप राशन भी बांटे हैं और सब चीज़ें किए हैं? हाँ, राशन भी बांटे हैं और बूढ़ा बुजुर्ग लोग का आँख भी दिख रहा है, हर दुख का कष्ट देखते हैं, ऑपरेशन भी किए हैं, करवाए हैं और आँख का चश्मा भी दिलवाए हैं। ये बताइए कि जो बुजुर्ग हैं जिनको मोतियाबिंद हो जाता है उनको आपने आँख दिखवाया है, तो कितने लोगों को दिखवाया और मतलब किस तरह से पूरा प्रोसेस हुआ? 1000 को दिखवाए हैं। जी, जिसको ऑपरेशन का जरूरी हुआ उसको ऑपरेशन करवाए और जिसको चश्मा का जरूरी हुआ उसको हम चश्मा दिलवाए। जी, और चश्मा आज बांटे हुए हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र में दिघा में समाज सेवा कर रहे हैं, तो क्या आगे मतलब समाज सेवा, कल कहते हैं कि समाज सेवा का सबसे आसान रास्ता है राजनीति में आना, तो आप अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या है आप चुनाव लड़ेंगी? हाँ, पब्लिक लोग का मन है कि हम चुनाव लड़ें, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये बताइए जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव लालू जी, तो आपको कुछ मिला है इस तरह का संकेत कि हम आपको टिकट देंगे, मैदान में उतारेंगे, आप चुनाव लड़िए? हाँ, लालू जी ना बोले हैं क्या विधानसभा से लड़ो, संकेत मिला। कहते हैं कि आज के युग में भी महिलाएं को उस तरह से समानता नहीं, हक नहीं मिला है जिस तरह से हक मिलना चाहिए, तो अगर आप चुनाव में उतरती हैं, जीतती हैं, तो कुछ प्लान बनाए हैं कि क्या करेंगे? हाँ, हम बनाए हैं। मेरे क्षेत्र में इतनी महिलाओं का कोई कुछ नहीं किए हैं, मेरे क्षेत्र का जो राजनीतिक है नेता, वो हम सब महिलाओं को पूरा करेंगे, हर घर में मिलकर, हर घर का महिलाओं से मिलेंगे, मिलकर हर ग्रुप का जो अन्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। तो जिस तरह से दिघा में तमाम समस्याएं हैं, कहते गरीब गुरबा लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपने अभी लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे थे, आए थे तो आप लगातार गरीब गुरबा लोगों को लंबी लाइन लगा करके हर रोज अनाज बांट रहे थे, तो इनको आप कैसे मदद करेंगे, कुछ सोचे? हर तरह से मदद करेंगे। पप्पू जी, जिस तरह से दिघा विधानसभा क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या है जमीन अधिग्रहण का, तो इसको लेकर के कोई प्लान बनाया है कि कैसे इस समस्या से निपटेंगे आप? हमारे विधानसभा में बहुत सारे समस्या है, क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ का वर्तमान विधायक था कि कोई समस्या का निदान किए ही नहीं। जैसे राजीव नगर 1024 एकड़ जमीन का मामला है किसान का, वो तो बिल्कुल लटका हुआ है, वहाँ जो भी
लोग घर बनाते हैं, नेव खानते हैं तो पैसा देते हैं, छत ढालते हैं तो पैसा देते हैं, यहाँ तक कि गृह प्रवेश तक कहीं पैसा देना पड़ता है। इसका निदान बहुत जरूरी है। किसान पर बेवजह लाठियाँ चलता है। आप 6 महीना पहले सुने होंगे कि 2 JCB फूंक दिया गया, किसान पुलिस में झड़प हुआ, तो इसका निदान होना बहुत जरूरी है। इसका हम निदान करेंगे। और दीघा विधानसभा में हमारा ले लिया जाए कि सभी मिशनरी स्कूल हमारे ही विधानसभा में, और हमारे ही विधानसभा के बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, घर के बगल का एडमिशन नहीं होता है। ये तो फर्स्ट प्राथमिकता है कि जो भी मिशनरी स्कूल हमारे दीघा विधानसभा में, मैं इसके लिए, अगर हमारी वाइफ चुनाव लड़ रही है, पत्नी जीतती है, तो इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से लड़ेंगे कि दीघा विधानसभा का सीट सुरक्षित हो। सबसे पहले दीघा विधानसभा के बच्चों को मान्यता मिले जो स्कूल मिशनरी का है, और 1-2 ऐसा सरकारी स्कूल हो जिस तरह का नेतर हाट है, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल, दीघा के बारे में कहा जाता है कि दीघा जो है झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे गरीब गुरबा लोग रहते हैं, इस क्षेत्र का विकास जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं, जबकि ये राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे। हमारे दीघा विधानसभा शुरू से उपेक्षित होते आ रहा है। ये 2010 में बना हमारे विधानसभा और उपेक्षित होते आ रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि अपने आप को सीट सुरक्षित समझना। ये जो विधायक है बीजेपी के, ये सोचते हैं कि हम क्षेत्र में घूमे न घूमे, जाए न जाए, जनता से मिले न मिले, कोई काम करे या नहीं करे, बीजेपी का सिंबल मिलेगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। यही कारण है मैं पूरे दीघा विधानसभा जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो जात और पार्टी से उठ के मतदान करे, तभी दीघा विधानसभा का विकास होगा। जो कि हमारे ही विधानसभा में सब चीज है, गवर्नर हाउस, CM हाउस, MLA फिले, फिर भी हमारे ही विधानसभा उपेक्षित होते रहा है। इसका एकमात्र वही कारण है, सिर्फ अपने आप को समझना कि मेरा वोट बैंक है, मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन अब जनता जाग चुका है, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप घर में रहिए, चुनाव जीत जाइएगा। जिस तरह की लॉकडाउन में पूरे दीघा में कुछ नहीं किया हमारे विधायक, बिल्कुल क्वारंटाइन में घर में पड़े रहे, और हमने पूरे दीघा विधानसभा में घूमते रहे, हर गरीब का सर्वे किए, किसके यहाँ खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, सभी के यहाँ राशन पहुंचाने का काम किए, तो जनता बिल्कुल जाग चुका है। ऐसा बात नहीं है कि वो लोग कमल का सीन लेके आए और जनता उनको वोट दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरह से इस क्षेत्र के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया मतलब अपने पार्टी के अंदर एक मतलब अच्छी छवि रखते हैं, ताकत रखते हैं, और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से हम देखे कि उन्होंने कभी मतलब लोगों के बीच नहीं गए, तो ये एक पॉजिटिव साइन है आपके लिए क्या? आप कि जनता जो है, खास करके जिनके बीच आप गए थे, जिनको आपने मदद की, वो आपको हाथ में हाथ लेंगे? देखिए, हम समझते हैं मदद करने वाला का हर कोई हाथ में हाथ लेता है, किसी का दुख सुख में काम आएंगे तो जरूर मेरा भी काम आएंगे। जब हम उनके साथ हैं तो भी मेरे साथ रहेंगे, हमेशा उनके साथ हम खड़े हैं। आज गंगा में पानी भरा हुआ है पूरा, कोई पिंटोली के पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला है। बिल्कुल टापू बना हुआ है, सबका घर में पानी हिला हुआ है, यहाँ तक सरकार द्वारा एक नाव का व्यवस्था भी नहीं किया गया, जिस तरह से नाव से वो लोग आ सके जा सके। एक नाव पर वो लोग 50-100 दिन भर के आ रहे हैं जा रहे हैं, नाव उल्टेगा सरकार एक और जाएगी, नींद खुलेगा उनका, आएंगे घटना कैसे हुआ, तो नाव का रजिस्ट्रेशन कराओ, ही कराओ कराओ, डिस्कस करेंगे, चल बात खत्म हो जाएगा। और विधायक के तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं हमारे विधानसभा का पहचाने नहीं, कोई जानता ही नहीं है, फेस से नहीं जानता है, नाम से भले सबको जानता है कि हाँ विधानसभा हमारे विधायक संजय चौरसिया जी है, भाई फेस उनको कोई नहीं जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान हम देखते थे कि बड़ी संख्या में पुरुष लोग से, मर्द लोग से ज़्यादा औरत लोग आपके यहाँ आती थी, महिलाएँ अपने घरों में खास करके जो काम करती हैं, झाड़ू पोछा, ये सब बहुत सारी संख्या में महिलाएं आती थी, तो आप जब चुनाव मैदान में उतरेंगी तो खास करके वो वोटर हैं आपकी, तो उन महिलाओं का समर्थन आपको मिलेगा लगता है? जरूर मिलेगा जी, मिलेगा। बापू जी, ये बताइए कि जिस तरह से संजीव चौरसिया के बारे में आप लगातार मीडिया में भी बोलते रहे हैं कि उन्होंने क्वारंटाइन हो गए थे लॉकडाउन के दौरान,
कोरोना काल में, और अब चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी रह गए हैं, वो क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं है कि संजय चौधरी से कोई मेरा व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है, वे अच्छे आदमी जरूर हम कहते हैं अच्छे आदमी है, लेकिन राजनीति के लिए नहीं है। वो कहीं बैठ के सचिवालय में नौकरी के लिए अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन बैठ के नौकरी के लिए सेल्फिश आदमी, अपना फैमिली में जीवन बिताना चाहते हैं, तो ऐसा आदमी को राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति उसी व्यक्ति को आना चाहिए जो समाज के लिए कुछ करे, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो हर कोई करता है, जो समाज के लिए आगे बढ़ चल के हिस्सा ले। और हम समझते हैं कि राजनीति में न पैसा का जरूरत है, न बाहुबल का जरूरत है। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति हो काम करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गरीब को राशन बांट दें, राशन घट जाए, नहीं घटेगा। जब हम 5000 रुपया का मंदिर बनाने के लिए बैठते हैं, 5 रुपये का मंदिर बना देते हैं इच्छा शक्ति से, हर कोई दान देता है, तो क्या हम इंसान का सेवा करें हमको नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप एक डब्बा बिस्कुट लेकर निकल रहे झोपड़ी बांटने के लिए गरीब के बच्चा के लिए, आपको 20 आदमी मिलेगा ऐसा जो 5-5 पैकेट दिला देगा, नहीं गरीबों के लिए बांटिए। लेकिन सबसे जरूरी इच्छा शक्ति होना, उनका इच्छा शक्ति ही नहीं गरीबों की सेवा करे। इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है बाजी पलट जाएगी और पप्पू राय जी, सुनीता जी लालटेन को रोशन करने में कामयाब होंगे? ये तो जनता की मांग है, पूरे बिहार में जनता का ऐसा मांग है। परिवर्तन लहर चला हुआ है, बिल्कुल परिवर्तन होगा। जिस तरह से जनता हमारे बिहारी मजदूर जो बाहर से आए, उनको आने में कितना कष्ट हुआ, और यहाँ आने के बाद उनका रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं हुआ, तो ये तो जनता तो बदला लेगी, बिल्कुल लेगा। जो स्थिति बिहार में बेरोजगारी का है, सभी का किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जो पेट ऐसा चीज है, जब भूख लगा जनता निश्चित तौर पर बदला लेगी। तो ये थे पप्पू राय, जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं, और आज भी उन्होंने बड़ी संख्या में, जैसा कि सुनीता जी ने बताया कि 1000 से ज़्यादा बुजुर्ग महिलाओं का इन्होंने ऑपरेशन करवाया मोतियाबिंद का, और उनके ज़रूरत के मुताबिक चश्मा बनवाकर उन्हें बांटने का काम किया है। तो पप्पू जी और सुनीता जी एक राजनेता कम और समाज से भी ज़्यादा हैं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव है, और इस बार दीघा की जनता बदलाव करके भी दिखा देगी। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना। हम हैं रैड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।